राज्य के साथ शिल्पांचल में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है, पर इस चुनाव में जहां राजनीतिक दल अपनी सियासी तैयारियों में लगी हैं, वहीं बनपुर बस स्टैंडर्ड के वागन कॉलोनी के लोगों ने वोट बायकॉट का निर्णय लिया है। आज उनका हाल पूछने जिला शासक प्रतिनिधि की टीम पहुंची और बैठ के मसले का हल निकालने की बात कही। उनके जाने के बाद हमारे संवाददाता ने लोगों से बातें की। আমাদের ওদের সাথে আলোচনা খুব ভালোই হয়েছে, ওরা বলছে এখন আমরা দেখছি করছি, আমরা সব ব্যবস্থা করছি, কিন্তু আমরা তাদের কোথায় কি করে বইয়া যাবো? আমরা আগে আমাদের বিদ্যুৎ নেই, জল নেই, কোনোদিন জল আসছে কোনোদিন জল আসছে না, রাত্রি 9টা থেকে ভোর 5টা অব দি লাইট, এইগুলো কি চলা যায়? এগুলো তো মানুষের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মানুষের আজকে খাদ্য চলে গেছে, বস্ত্র চলে গেছে, কিন্তু ওদের বাসস্থানটা যদি কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে তোরা যাবে কোথায়? তোরা বাইরে যারা মানুষ খাটতে যাচ্ছে রাত্রেবেলা এসে তারা ঘুমাবে কোন ভরসায়, যে আমরা পরের দিন খেটে মানুষ দুটো মানুষকে অন্ন জোগাবো ঘরের মধ্যে? আমাদের ভোটার কার্ড আছে, কিন্তু আমরা ভোট দেবার অধিকার আছে, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে, আমরা যে আসানসোল কর্পোরেশনের বাসিন্দা, আমাদের ভোটটা দিব কি জন্য? আমরা কর্পোরেশনে কোনো সুবিধা পায় না, কর্পোরেশনের সুবিধা বলতে গেলে বিদ্যুৎ আর জল, যেটা দুটো গুরুত্বপূর্ণ খুব ব্যাপার, কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। আমরা वो लोग आए तो हम लोग से बात बहुत अच्छा से हुआ है, वो लोग बहुत इंक्वायरी किए हैं, मगर हम लोग कोई भी भाषा कुछ भी नहीं समझते, हम लोग एक चीज जानते हैं जो कि हम लोग का लाइन और पानी आएगा हम लोग वोट देंगे, नहीं तो वोट बॉयकॉट करेंगे। हम लोग से बात करें, हम लोग बात करने के लिए तैयार है, लाइन पानी जिस दिन हम लोग का डूब जाएगा वही दिन हम लोग का ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। जो जो पार्टी कर सकते हैं वो अपना वोट दे सकते हैं, मगर हम लोग अभी कॉलोनी में, कॉलोनी का बासिंदा कोई भी, कोई पार्टी का नहीं है, हम लोग सिर्फ अभी कॉलोनी का बासिंदा है और हम लोग का लाइट पानी का बहुत दुख है, इसीलिए हम लोग को वोट चाहिए। ডিএম সাহেব তো আসেন নি, ডিএম সাহেবের প্রতিনিধি এসেছিলেন এখানে, তো তারা ইনকোয়ারি করলেন সব জায়গায়, সেই অবস্থান থেকে যাবার সময় উনি বললেন যে আমি এই রিপোর্টটাও ডিএম সাহেবকে দেবো এবং মনে হচ্ছে পজিটিভলি কিছু, পজিটিভ একটা কোনো কিছু খবর আপনারা পাবেন, তো আমরা এটাই বললাম যে পজিটিভ খবর পাবো বলেই হবে না, আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত না লাইট বিদ্যুৎ জলের ব্যবস্থা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা এই সিদ্ধান্তে অনড় আমরা ভোট দেবো না। पश्चिम बंगाल आसनसोल रेल पार इलाके के बाबू तालाब में जमीनी विवाद को लेकर इलाके के रहने वाले मोहम्मद जलील के ऊपर 4 अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर लहूलहान कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद बुरी तरह घायल मोहम्मद जलील को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए आसनसोल महकमा अस्पताल पहुंचाया, जहां मोहम्मद जलील को भर्ती कराया गया। वहीं घायल मोहम्मद जलील के बड़े बेटे मोहम्मद जमील ने अपने पिता के ऊपर हुए जानलेवा हमला का आरोप स्थानीय कुछ लोगों के ऊपर लगाते हुए आसनसोल नॉर्थ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एमडी जलील नाम है इनका, मैं रेल पर बाबूतला से हूँ, ठीक है। ये जा रहे थे काम से अपना खरीदारी करने के लिए, एमडी राजू, एमडी मैनेजर, एमडी आरजू, एमडी बबलू, ठीक है, ये सब व्यक्ति जितना भी है लोग परिवार का अगेंस्ट पार्टी, ठीक है, ये लोग चापल से वार किया है, 15-20 टाका यहाँ पे लगा, हाथ में, सर में लगा है और हाथ में लगा है, ठीक है। ये लोग जान से मारने का प्लान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ही, ठीक है, कितना किस तरह का खून बहा है यहाँ पर ही, ठीक है। हम लोग पुलिस के पास भी गए हैं, अपना कंप्लेंट किए थे इससे पहले, ठीक है, कोई सुनवाई कहीं से कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, चारों तरफ हम लोग बहुत कोशिश किए हैं, कोर्ट में केस भी चला है, ठीक है, हम लोग 5 साल से परेशान हैं, लेकिन कोई मसला हल पुलिस से कोई नहीं निकालने पा रहा, ठीक है। जमीन को लेकर विवाद है क्या जी? जमीन को लेकर झमेला? जी हाँ, जमीन को लेकर के बात है, ठीक है, वो लोग जमीन में वहाँ पे काम लगाया है। आपके पिताजी का नाम क्या है जी? आपका पिताजी का नाम क्या है? मेरा पिताजी का नाम एमडी जलील है, ठीक है, मैं उसका बड़ा लड़का हूँ। आपका नाम? ठीक है ना, मेरा नाम एमडी जमील है, ठीक है, मेरा तीनों भाई पे, पूरा परिवार पे खतरा है, इस तरह का भी वार कर चुका है, ठीक है। आप लोग से निवेदन है,
कि पुलिस प्रशासन अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा है सही से, हम लोग कोई जांच पड़ताल सही से नहीं हो पा रहा है, वो लोग अपना मनमानी करके निकल जा रहा है। इससे पहले भी हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। पूरा फैमिली आपको जान का खतरा है? जी पूरा फैमिली को मेरे जान का खतरा है। आप देख सकते हैं सुबह सुबह 9-8 बजे आपका खरीदारी करने के लिए गया है तो यहाँ पर इस तरह का वार हो गया है, ठीक है, आगे क्या इसका हो सकता है आप लोग बता सकते हैं? कहाँ पे मत आज सुबह हम बता रहे इनका हालत बोलने का। आसनसोल साउथ के संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार एडवोकेट प्रशांतो घोष के समर्थन में पदयात्रा निकाला गया। बनपुर के विभिन्न इलाकों से गुजरता हुआ पदयात्रा में दीपायन राय, हरजीत सिंह, पार्थो सेनगुप्त मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रशांतो घोष ने कहा कि टीएमसी और बीजेपी सरकार के खिलाफ आम जनता संयुक्त मोर्चा को कामयाब करेगी। আমরা মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাচ্ছি। বিগত দিনে 2011 এবং 2014 পর থেকে মানুষ যেভাবে তার সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে, মানুষের জীবনযাত্রার মান যেভাবে খারাপ হয়েছে, পেট্রোপণ্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যেভাবে খারাপ হয়েছে আর ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, মানুষ আমাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিচ্ছে। ওয়াগন কলোনির লোককে বলবো ভোট বয়কট করার মধ্য দিয়ে আপনি একটা বড় বিধানসভা ক্ষেত্রে বিরাট কোনো পরিবার তার করবে না, সেই জন্য আপনারা সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত বাম পার্টিকে ভোট দিন। আমরা এই বিষয়ে দায়বদ্ধ থাকব যাতে আপনাদের বিদ্যুৎ এবং জলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যত সম্ভব সুস্থতার সঙ্গে করা যায়, আমরা সেই ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকব। না এখনো পর্যন্ত আমরা যেয়ে উঠতে পারিনি, কিন্তু আমাদের নেতৃত্ব যোগাযোগ রাখছে, সংযুক্ত মোর্চার নেতৃত্ব যোগাযোগ রাখছে এবং আগামী দিনে আমরা যত দ্রুত সম্ভব এই কাজকে সম্পন্ন করব। आने वाले विधानसभा चुनाव में बाराबनी के तृणमूल उम्मीदवार विधान उपाध्याय को जोड़ापुल में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। आइंदा असेंबली इंतखाब में ममता बनर्जी को तीसरी बार वजीर आला बनाने की गर्ज से रियासत के साथ साथ पश्चिम बर्दवान के तृणमूल उम्मीदवारों को जोड़ापुल में वोट देकर कामयाब बनाए। की एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, नए डिजाइन की कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस वो भी बाजार से वाजिब दरों पर, है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर,
और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाए इसराइल के कलेक्शन अपनाए। इसराइल अ हाउस ऑफ फैंसी लेजवियर, पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 760-2923। जब बात हो बिरयानी की तो मुंह में आ जाए पानी, याद आए बस एक ही नाम, अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाए लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वेराइटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तीन बाजार। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नामक एक संस्था की ओर से लगातार 1000 दिनों तक गरीबों के भोजन कराने के बाद शनिवार रात एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया था। আমাদের সংগঠনের ক্ষমতায় কিংবা একক ক্ষমতায় কোনোদিনই সম্ভব ছিল না। আপামর আসানসোল বাসী, আপামর বর্ধমান জেলা, পশ্চিম বর্ধমান জেলা, কলকাতা, আশেপাশের বিভিন্ন জেলা মানুষদের, অগণিত মানুষের আশীর্বাদ আজকে আমাদের ফুড ব্যাংকের 904 দিনে আমরা আসতে পেরেছি। আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত আছে আমাদের আসানসোলের প্রতিটি মানুষের গর্বের মানুষ, আমাদের সকলের প্রিয় বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, অভিনেত্রী শ্রীমতী লাজবন্তী রায়। উনি আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় 4-5 বছরের আমাদের সম্পর্ক, আমাদের সংগঠনের সঙ্গে উনিও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। শুধু কলকাতায় থেকেও ওনার কিন্তু একটা হৃদয়ের টান আসে আসানসোলের প্রতি এবং আমাদের এই ভোট ব্যাংকের প্রতি। एसएससी, बैंक और रेलवे की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहां आप तब तक फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्यसेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, चिटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713301। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुका है और न्यू बैचेस 8 मार्च से शुरू होने वाले हैं। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम एंड वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 03412253223 एंड 8207297826। आने वाले विधानसभा निर्वाचन में आसनसोल नॉर्थ के तृणमूल प्रत्याशी मौलाय घटक को जोड़ा पुल में वोट देकर विजय बनाए। संयुक्त मोर्चा के हिमायती आईएसएफ के आसनसोल उत्तर के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी को खाम छाप में वोट देकर कामयाब बनाए। चिकन चिकन चिकन, फ्रेश चिकन, कहाँ हैदर चिकन और कहाँ
हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना, हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान, हैदर चिकन, हमीदनगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 एंड 9333112743। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियत मौजूद है। आज ही बुक करें, हमारा पता है आजाद नगर स्माइल आसनसोल। कॉन्टेक्ट करें 9334098418 7688228। আমাদের সরকার, আমাদের নেত্রী, তিনি বিনা পয়সায়